नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं अपूर्वा दसानिया, जिन्होंने LIC ABO 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव अपूर्वा विद अस टुडे इन दिस इंटरव्यू सेशन टू शेयर अबाउट दिस लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट हर जर्नी एंड फाइनली नाउ व्हेन शी हैज बिकम विश व्हेन शी हैज क्लियर द एग्जामिनेशन। सो हाउ डज इट फील? सो वेलकम अपूर्वा, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर योर एप्रिसिएशन। हम जब भी बहुत सारे ऐसे टॉपर्स से मिलते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हाउ डू यू फील यू क्लियर द एग्जामिनेशन, किस तरीके की फीलिंग है, तो एक एस्पिरेंट लाइफ बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या जॉब, क्या एग्जाम क्लियर होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। बट आज जब आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है एंड यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर इन LIC, हाउ डू यू फील अबाउट इट? इस पूरी जर्नी को जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, हाउ डू यू फील, हाउ डज इट फील? मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्लियर करके। और मैम डेफिनेटली जर्नी टफ तो होती है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार गिव अप करने का मन भी करता है, बट कंसिस्टेंसी इज द इम्पॉर्टेंट की टू क्रैक एनी एग्जाम। सो हमें कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस बनाए रखना है, डेफिनेटली हमें जो वर्क करना है वो करिए, हमें हमारा आउटपुट जरूर मिलता है। अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जैसे मेरा बैकग्राउंड, मैं ग्रेजुएशन मेरा बीकॉम से था, कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन है, देन मैंने MBA किया है फाइनेंस एंड HR में। तो ये मेरे लिए एक तरह से मेरा ही लाइन है, मैं बोल सकती हूँ फाइनेंस से रिलेटेड है डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस का प्रिपरेशन कर रही थी। उसी के साथ ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंश्योरेंस की एग्जाम हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलती है इसकी वैकेंसीज, एज कम्पेयर टू बैंकिंग की वैकेंसीज हमें हर साल देखने को मिलती है। तो जैसे भी आता है सिलेबस सबका सेम रहता है, हमें सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उस तरह से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हम इसको भी साथ में अपना कवर करके रख सकते हैं। पूर्वा, आपने जैसे बताया कि आपने MBA किया हुआ है और ये आपसे रिलेटेड फील्ड है, लेकिन जब इस एग्जामिनेशन के बाद, MBA के बाद से ये जर्नी शुरू हुई LIC ABO की, क्या थॉट प्रोसेस था कि यही एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे थे, क्या सोच के टारगेट कर रहे थे, हम ये सब समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सिमिलर फील्ड ऑफ लाइन में है बट समझ में नहीं आता है कि किस फील्ड में जाना चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेक्ट करियर ऑप्शन। जी, जैसे हम देखें स्टार्टिंग में, हम सबसे पहले हमारे बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए हर सब्जेक्ट को लेके। जैसे हमें रीजनिंग रहता है, क्वांट रहता है और इंग्लिश रहता है, हम प्रीलिम्स की अगर बात करें बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में, तो हमें उसके कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी रहती है। उसी के साथ साथ हमें मेंस को भी कवर करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें मेंस के लिए प्री के रिजल्ट आने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम उसको पूरा स्टार्टिंग से कर पाए। हमें मेंस को भी पर्टिकुलर टाइम देके उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना चाहिए, दोनों का इक्वल वेटेज रहता है। प्री क्लियर करके तो आप कोई जॉब ले नहीं सकते हैं, एट लास्ट हमें मेंस क्लियर करके मेरिट में आना है, तो मेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखता है। तो मेंस को ज्यादा फोकस करके, बट प्रीलिम्स जो है हमारा वो प्रैक्टिस मांगता है, स्पीड मांगता है। जैसे हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, अगर आपकी स्पीड आपको आता है बट आपकी स्पीड नहीं होगी, तो आप उस पर्टिकुलर 20 मिनट्स का जो सेक्शन रहता है उसमें कवर आप नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसमें स्पीड पे वर्क करना रहता है, उसके साथ जो माइनस मार्किंग रहती है, तो हमें एक्यूरेसी और स्पीड को प्री में पकड़ के रखना पड़ता है। कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉक्स हम दे सकते हैं, जो हमारा सिलेबस हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मॉक्स हमें देना है, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं, कहाँ हमें और वर्क करने की जरूरत है। ये रही हमारी प्री की स्ट्रेटेजी। और जैसे मैं मेंस की बात करूँ, तो मेंस हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस रहता है, हमें नहीं पता होता है, हमें मेंस में टॉपिक हमें पता रहता है, बट उसमें किस लेवल का कहाँ से एडअप होके क्वेश्चन आ जाएगा वो हम नहीं एज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, वहां पे हमें टाइमिंग का इशू नहीं रहता है। अगर हमें नहीं आता है तो हमारे लिए 2 घंटे का पेपर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और आता है तो वो 2 घंटे हमें पता ही नहीं चलते हैं। तो मेंस के लिए हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे करंट अफेयर जो है एक बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करता है स्कोर करने के लिए, क्योंकि हमें मेरिट में आना रहता है, सिर्फ मेंस को क्लियर नहीं करना है, मेरिट में आना है, ताकि हमें टॉप में हमारी रैंक लग सके और हमें जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग हमें
जॉब मिल सके। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स पे पकड़ बना के रखनी चाहिए। और जैसे मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग अवेयरनेस भी रहता है उसपे। हम स्टार्टिंग से हमारी जो हमारा जैसे बोलते हैं बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो बेसिक हमारा स्ट्रांग करके चलना है, उस 100% उस पर कवरेज बना के रखनी है। और प्रॉपर जो करंट अफेयर जो रिविजन मांगता है, क्योंकि हम हार्डली हमें 15 to 20 days मिलते हैं मेंस के लिए आफ्टर रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, हम उसमें सिर्फ उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 times कर सकते हैं। तो हमें पहले से इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी बनानी रहती है, करंट अफेयर जो है हमारा वीक का वीकली रिवाइज हो सके, मंथ का मंथली हो सके, ताकि हमें जब मेंस रहे उस टाइम पे हमें ये डर ना रहे कि हमारा करंट अफेयर ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कोर करने के लिए ज्यादा मार्क्स। पूर्वा, आप जैसे कह रहे थे कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसी तरीके से आप जब मेंस में किस तरीके से आपको आपका माइंडसेट होना चाहिए, दैट हैज टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम यू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स। तो ये जो माइंडसेट है एंड हाउ डू यू टेक पेपर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं बट हमें टैक्टिक्स नहीं पता होती है कि व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ सॉल्विंग द पेपर, शायद वहां हम गलत हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें कि व्हाट्स द एक्चुअल वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर एंड हाउ डू यू रिवाइज इट, एंड ये प्रैक्टिस से आता है तो ये प्रैक्टिस कितनी करनी है, करनी भी है फॉर द इंटायर प्रोसेस। जैसे हम मेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को डेली इतना एटलीस्ट, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, 2 to 3 hours हमें डेली एक सब्जेक्ट को मेंस के पर्पस से देना ही है। इसमें करंट अफेयर्स को आप डेली का डेली रिवाइज करिए, डेली स्टडी करिए, तो वो काफी बेनिफिट होता है। नहीं भी हो पाता है तो हम उसका बैकअप लेके वीकली उसको कवर कर सकते हैं। इंग्लिश जैसा रहता है, इंग्लिश हमें रीडिंग से, जितनी हम रीडिंग कर सकते हैं उतना हम रीडिंग से आ सकते हैं। वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है उसके लिए। क्वांट के लिए जो प्रैक्टिस, जैसा मैम ने कहा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं होगा हमें कैसे करना है तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में एक जो माहौल रहता है, एक जो प्रेशर रहता है, वो डेफिनेटली एक टॉपर को भी रहता है और एक एवरेज स्टूडेंट को भी रहता है। एग्जाम का माहौल ही ऐसा रहता है, तो उस टाइम पे हम एक पैनिक ना कर पाए, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में पैनिक किया है। जो चीज मैंने जो सीखी है अपने गलतियों से, पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमने कहीं देखे नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं उनमें कोई एक की पॉइंट छुपा रहता है, जिसको अगर आप अगर काम रह के अगर देखना चाहेंगे तो ही आप उसे पकड़ पाएंगे, और उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। इसी तरह रीजनिंग में भी अगर हम पजल्स देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स को लेके, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो अगर आप पजल को देखें तो एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट में आपको पजल को पूरा सम अप किया गया है, तो अगर आप वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप काम नहीं रह पाएंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में काम रहना है, ठीक है? एग्जाम देने आए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे ज्यादा हमारे साथ बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें काम रहना है बिल्कुल पेशेंस के साथ, क्वेश्चंस को रीड करिए पहले अच्छे से। और मेंस का एक स्ट्रेटेजी ये होता है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट ये स्ट्रेटेजी बनानी कि हमें कौन से क्वेश्चन करना है। स्टार्टिंग के 5 minutes में आप पर सेक्शन में एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, इसी को मैं सॉल्व करना चाहूंगी और ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, ताकि मेरा मोरल डाउन ना हो। डेफिनेटली अटेम्प्ट सारा करना है हमें, बट स्टार्टिंग में जो हमें आता है हमें उसको पॉइंट आउट करके चलना है। फिर हमारा जैसे कि सेक्शनल टाइमिंग रहता है एग्जाम्स में, मेंस में, बाकी जो टाइमिंग हमारी बचती है उसके बाद हम उस टाइम के ऊपर जो बचे हुए रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रायोरिटाइज कर रखे थे कि इन्हें हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, उन्हें हमें बाद में कवर करना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी और मैं, मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करा है इसने मेंस के लिए। सो क्वेश्चंस, ऑल्दो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, लेकिन क्वेश्चंस की प्रायोरिटाइजेशन किस तरीके से सेट करनी है ये आपको पता होना चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएगा एंड मोर ओवर ये आपके माइंडसेट से आएगा, इसलिए ये चीज आपको क्लियर करनी है। अपूर्वा, गौरव सर, स्टडी IQ का कितना अहम रोल रहा इस पूरी जर्नी में? मैम सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। जैसे मैं बताऊं, मैं एक स्टेज होता है बच्चों का जो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे, तो वो चीज के लिए सर ने अभी थोड़े दिन पहले जैसे मेंटरशिप ग्रुप एक स्टार्ट किया था,
मैंने वो ज्वाइन किया, सर से पर्सनल क्योरीज हमारी उसमें सॉल्व हो जाती थी, सर टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे, और जैसे सारे एस्पिरेंट रहते हैं कहीं ना कहीं सब एक ही, सबकी प्रॉब्लम सेम रहती है। एक टाइम के बाद आपको फैमिली से थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 2 साल दे दिए, 1 साल दे दिए। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम टफ करना बहुत टफ हो जाता है, इजी नहीं बोल सकते। तो सर जिस तरह से हमें मोटिवेट करते थे, वो सर का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे मैं सब्जेक्ट के अलग तरीके से बात करूं तो बहुत अच्छे से सर ने मेंटरशिप दी है। तो वो एक ऐसा लगता था कि सर बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। सर ने जो वर्चुअल लाइब्रेरी का स्टार्ट किया था, ऐसा लगता था कि सर बैठे हैं, सर देख रहे हैं, तो हमें पढ़ना ही है, हमें उठना नहीं है, नहीं तो सर को पता चल जाएगा कि हम उठ चुके हैं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सर पॉइंट आउट भी करते थे। सर ने काफी लोगों को ऐसा बताया भी है, मैं भी शायद सर की लिस्ट में रही होंगी कि इतनी देर मैंने पढ़ाई करी नहीं करी। सर को काफी अच्छे से सर ने उनके वर्क के साथ साथ हमको भी कैसे वर्क करना है वो सर ने गाइड करवाया है। और जैसे मैं सब्जेक्ट के हिसाब से अगर लेके सर के बारे में बताऊंगी, सर ने जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो कोर्स लॉन्च किया था, तो मैंने डबल एओ का भी प्रिपरेशन किया था और एडीओ का भी, तो मैंने दोनों के टाइम पे पढ़ा था। तो जिस तरह से सर ने पढ़ाया था, वो इंटरव्यू के टाइम पे सिर्फ एक रिवीजन से ही सब कुछ रिवाइज हो गया, बिल्कुल माइंड में बैठ गया था एक-एक चीज। जो सर ने पर्टिकुलर टर्म जैसे एक्सप्लेन की थी, बहुत सारे टर्म्स ही जो हमने फर्स्ट टाइम सुनी थी, क्योंकि हम इतना अवेयर नहीं रह पाते हैं, पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं है। तो उस तरह से सर ने जो इतनी डिटेल में पर्टिकुलर जो 19 लेक्चर्स का जो सर का इंश्योरेंस अवेयरनेस का कोर्स था, सर अभी तक तो करंट अफेयर्स के किंग थे, अब सर इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी बन चुके हैं। इतना डिटेल में सब कुछ उन्होंने कवर करा है, बिल्कुल अंदर घुस रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था जस्ट नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उसमें। तो वो चीज मुझे इंटरव्यू में भी काम आई है, जैसे इंटरव्यू में भी इंश्योरेंस के बैकग्राउंड से क्वेश्चन आए थे, उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाए हैं। और जैसे करंट अफेयर भी मेंस में एक पार्ट था, तो सर उसके लिए तो सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल हमें ज्यादा टेंशन लेने की उसके लिए जरूरत नहीं रहती है। सर के सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ही बहुत अच्छा होता है कि वो एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो सर का तो मेरी जर्नी में मैं बोल सकती हूँ बहुत ज्यादा योगदान रहा है इस सिलेक्शन में। Apurva, we are also very glad and very proud of you. Even God sir is very proud of you. And the only motivation for the entire team, and particularly for God sir, it is that when we see students like you who excel in the examination that way, right? We are very proud of you and puri team ki taraf se bahut dheer sari shubhkamnaen. Kuch final tips, suggestion aap sabhi ke liye dena chahenge? जी, फाइनल टिप्स यही रहेगी कि आप हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जैसे मेरे साथ सब साथ में आए हैं, टीचर्स भी आपको मिलेंगे, सोर्सेज भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो बस आप लगे रहिए, मेहनत करिए, एक ना एक दिन आपको अचीवमेंट जरूर मिलना है, क्योंकि टफ जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप बस लगे रहिए, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए, आप डेफिनेटली आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली प्रिपेयर करते रहिए एंड दिस इज वॉट यू कैन डू। रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचे, बट आप अपना 100% दीजिए। थैंक यू यस मैम, पूर्वा, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड थैंक यू हेल्थ। मैम। थैंक यू।